हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल, जो कि आप पतले वाले रबर बैंड की मदद से बना सकते हो और बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, गर्मियों के लिए बेस्ट है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सेकंड चैनल है प्रीति वारी 2, जिसमें मैं अपनी ब्लॉग वीडियोज एंड मेकअप से रिलेटेड वीडियोज डालती हूँ। जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है, छोटी छोटी बारीकियाँ जिसकी वजह से आपका मेकअप प्रोफेशनल नहीं दिखता है, वो सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ। तो प्लीज़ उस चैनल पर भी जाइएगा, वो चैनल भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज़ गो टू माई सेकेंड चैनल प्रीति तिवारी 2 और इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और मैंने डिटेन फेस पैक के बारे में बताया था, 40% ऑफ चल रहा है, 5-10% नहीं 40% ऑफ चल रहा है। तो अगर आप चाहो तो जाके ले सकते हो। डिटेन पैक कितना बेनिफिशियल आपकी स्किन के लिए, आजकल जो भागदौड़ भरी लाइफ है उसके लिए आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है, तो टैनिंग को रिमूव भी करेगा और साथ साथ में आपको इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो जाके जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद लीजिएगा। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। आज का जो वीडियो है, इसमें मैं आपको जेल आई लाइनर के बारे में बता रही हूँ। जेल आई लाइनर से आप अपने आईब्रो को नेचुरल लुक दिखा सकते हो। मैंने अपना आईब्रो, मेरे आईब्रो पे हेयर बहुत कम है। जैसे अगर आप मेरे को लॉन्ग टाइम से देख रहे हो, 4 साल हो गए मेरे को यूट्यूब पे, तो आपको पता होगा कि मेरी आईब्रोज बहुत ज़्यादा लाइट है। मैं आईब्रो फील के बिना कहीं नहीं जा सकती, तो मैं बहुत लंबे टाइम से जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको आईब्रो फील करने के लिए कोई बेस्ट चीज़ की ज़रूरत है तो आप जेल आईलाइनर यूज़ कर सकते हो। जेल आईलाइनर को ब्रश की मदद से बहुत हल्का हल्का लेके आप अपने आईब्रोज पे लगाओगे तो बिल्कुल नेचुरल सा लुक आता है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं दिखता है और लगेगा कि आपका ओरिजिनल आईब्रोज है। एंड इसके बाद जेल आईलाइनर को आप आईलाइनर की जगह पे भी यूज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वाटरप्रूफ होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके खरीद सकते हो। तो ये तो हो गई बातें, अब हेयर स्टाइल बता देती हूँ। मेकअप की बारीकियाँ जाननी है, सीखनी है तो प्लीज़ दूसरे चैनल पर जाइएगा। आपको आईब्रोज का जो ये आर्च होता है, यहाँ से हेयर को लेना है इस तरीके से, बहुत ज़्यादा बड़ा पफ नहीं बनाना है यहाँ पे। बहुत लोग पूछते हैं कि मैम मेरे पफ बनाते टाइम बीच से मांग निकल जाता है, तो डियर आप क्या करोगे अगर आपके बीच से मांग निकल जाते हैं तो बहुत पतले हल्के बाल है, तो फ्रंट का इतना हेयर छोड़ देंगे, बाकी हेयर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ऐसे उठाएंगे एंड बैक कॉम्बिंग कर देंगे। इससे जो आपके बीच का वॉल्यूम है वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा एंड अच्छा लुक आ जाएगा। उसके बाद आप इस तरीके से करके सिंपली अपना पफ क्रिएट कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा पतले बाल हैं तो आप सेटिंग स्प्रे यूज कर लीजिएगा। सेटिंग स्प्रे हमेशा बालों में नहीं लगाना है, कभी पार्टी फंक्शन है, वेडिंग सीजन है तो आप उसमें आप कर सकते हो, बट हमेशा सेटिंग स्प्रे जब भी यूज करते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सेटिंग स्प्रे आपकी स्कैल्प पे ना लगे, क्योंकि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो ये हो सकता है कि आपके हेयर फॉल को और बढ़ा दे। ओके, उसके बाद इस तरीके से रखना, हल्का सा ट्विस्ट करना, आगे की तरफ पुल करना, आपका बहुत खूबसूरत सा पफ बन के रेडी हो जाएगा विदाउट आर्टिफिशियल पफ एंड बैक कॉम्बिंग। बैक कॉम्बिंग नहीं भी करोगे, बस सिंपल सा ऐसे ट्विस्ट करके आगे की तरफ पुल करोगे तो आपका पफ बन जाएगा। हाँ, पतले बालों के लिए आप बैक कॉम्बिंग थोड़ी सी डाल लीजिएगा। अब आपको बालों को इस तरीके से कॉम करना है। यहाँ पे हम रबर बैंड यूज करेंगे। बैक पिन यूज कर रही हूँ, जिससे कि अगर आपके बाल बहुत हल्के हैं, छोटे हैं, तो आपके दूल्हे का भी लुक है वो काफ़ी अच्छा है। इसको भी अभी यूज करेंगे। रबर बैंड यूज करेंगे।
जो हमने वैक्सीन लगाई है वहाँ पे एकदम काफी हुई, ज्यादा नीचे नहीं गर्मी हुई। तो ये हमने थ्री पार्ट में हेयर को इस तरीके से कर लिया है। ओके, ऊपर वाले पार्ट को यानी नीचे वाले पार्ट को छोड़ देंगे। अपने बालों के अकॉर्डिंग यू पिन लीजिएगा, ऐसा नहीं कि छोटे बालों का बहुत बड़ी बड़ी यू पिन होगी, वो भी आपको अनकम्फर्टेबल करेगा। सेकेंड लेयर को लिया है, एंड तक पुष्टि देंगे, एंड जो आपने बंद बनाया है उसके लिए चारों को बिल्कुल लपेटेंगे, और जो आपका रबर बैंड है उसके नीचे से इस तरीके से लेके जाएंगे एंड यू पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब जो हमारा लास्ट पार्ट है उसको इस तरीके से रखेंगे एंड टू पार्ट में डिवाइड करके पुष्टि करेंगे। नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लेके आएंगे और रबर बैंड को खींच लेंगे नीचे तक ताकि रबर बैंड हमारा हाइट हो जाए। अब अच्छे से यूपिन लगा के सारी हेयर को सिक्योर करेंगे। जहाँ पे आपका रबर बैंड है वहाँ पे भी एक यूपिन लगा दीजिएगा। इतना करने के बाद जो आपका बैक पिन दिख रहा है एक तरीके से हाइट कर दे रहे हैं। ये है बन का फाइनल लुक। इसको आप साड़ी के लिए एंड सूट के लिए ट्राई कर सकते हो, काफ़ी इजी है और काफ़ी अच्छा लुक देगा आपके बालों का, जूड़े का। जहाँ भी आपको मैनेज कर रहा है आप यूपी की मदद से उसको मैनेज कर लीजिए। तो ये फाइनल लुक, कैसा लगा आज का हेयर स्टाइल आपको? आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। इसको आप डेकोरेट कर सकते हो डेकोरेटिंग पिन एंड गजरे की मदद से, और अपने सिंपल से हेयर स्टाइल को वेडिंग लुक दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी चीज़ें मैंने दिखाई है सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके इजीली वहाँ से बाय कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।